नमस्कार दोस्तों, DITC करौली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार वंशी सूचन सहायक आप सभी का DITC करौली पे स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू की जानकारी देंगे आपको कि किस प्रकार से इंसर्ट मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शंस को हम एक्सेल शीट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पर गए, ये सेलेक्ट किया। ये टेबल इंसर्ट करना हम सीखेंगे किस तरह से टेबल इंसर्ट किया जाती है। ये टेबल हमने इंसर्ट की, इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं टेबल के। आप इसमें चाहें तो इसके डिजाइंस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से टेबल स्टाइल्स में जाके। आप देखिए टेबल स्टाइल मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, ये देखिए टेबल स्टाइल्स चेंज हो रही है वेरियस टाइप्स की। देखिए कई सारी और भी डिफरेंट स्टाइल्स आपको दे रखी हैं। इंसर्ट मेनू फिर से गए, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट मेनू में हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स यहाँ दी हुई हैं कि इनका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक शेप को आप चूज कीजिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये चूज करूंगा अभी, देखिए जैसे हमने शेप चूज की, इस तरह से आप इसको खींचिए और इस तरह से आप शेप चूज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन शेप, रेक्ट शेप, वर्ड्स का स्टाइल कौन सा आप यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन क्या होगी, डिफरेंट टाइप के आप इसमें अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ग्लो कितना रहेगा शेप का, कैसे, ये आप देखिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये शेप फिल किस टाइप के कलर में आपको शेप्स में चाहिए, शेप्स का कलर किस टाइप का चाहिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट में जाके, ये देखिए मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। एक्चुअली हम चार्ट बनाएंगे कि चार्ट किस हिसाब से हम बना सकते हैं। डिफरेंट सबको सेलेक्ट कीजिए, जिन जिन ऑप्शंस के बीच आप, जिन जिन नंबर्स के बीच आप, डेटा के बीच आप चार्ट चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए किस टाइप का आपको चार्ट चाहिए, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, जिस प्रकार का भी आपको चार्ट चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसमें लाइन चार्ट सेलेक्ट किया, सॉरी बार चार्ट सेलेक्ट किया, ये देखिए ये सारी कैटेगरी बन गई। आप इसमें से डिफरेंट स्टाइल्स भी चूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये चार्ट टाइटल, यहाँ आप कुछ भी चार्ट टाइटल भी दे सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स, ये कई सारे आप स्टाइल्स आपको डिजाइन में आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट में, देखिए जैसे मैं यहाँ नाम लिखा हूँ, ये हाइपरलिंक कि आप किसी नाम पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच अपना कोई लिंक देना चाहते हैं तो लिंक आप देखिए, जिस तरह से मैंने मेल का एक लिंक दिया होगा, मेल का लिंक देती है उसको आपको रिडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट वर्ड आर्ट कि डिफरेंट स्टाइल्स के वर्ड्स हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने यहाँ DYTNC लिखा, तो देखिए एक नई डिज़ाइन अपने को मिली, इसको हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये स्टाइल्स अपन चूज कर सकते हैं इस हिसाब से। देखिए डिफरेंट स्टाइल पैटर्न हम चूज कर सकते हैं, आप देख जैसे देख पा रहे हैं पीछे की तरफ चेंज कर रहे हैं, ये किस शेप का चाहिए, किस कलर का चाहिए, इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू में एक बार फंक्शन देखते हैं सिंबल्स कि हम डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये देखिए वेरियस टाइप के सिंबल्स दिए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के दिए हुए हैं, फॉन्ट्स में जाके आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको चूज करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये प्रिंट होते जा रहे हैं। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के इंसर्ट सिंबल्स इंसर्ट मेनू में जाके सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। यह है क्लिप आर्ट, आप वेरियस प्रकार के जो अपने एक्सेल शीट में किसी प्रकार की मीडिया टाइप फाइल्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्लिप आर्ट यूज़ करना होगा। पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं, कुछ भी आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल पे। इस देखिए मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने इंसर्ट कराया, ये देखिए जैसे ID कार्ड आ गया एक, आप इसके अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।